गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद्रीशियो सो लेट स्टार्ट टूडेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर सम प्लेसिव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड एट समय डेजर्ट विच हैव स्कैंटी रेनफॉल कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है और अच्छा रेनफॉल होता है और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पे बहुत कम रेनफॉल होता है जहां पे बहुत कम रेनफॉल होता है उसे डेजर्ट कहा जाता है का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में रेनफॉल का होना इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे हर जगह पे एक जैसे रेनफॉल नहीं होता सम रीजन हैव एक्सेसिव रेनफॉल सम अदर हैव वेरी लिटिल रेनफॉल कुछ रीजन्स ऐसे हैं हिमाचल इंडिया में जैसे कि हिमाचल हिमाचल में बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है चेरापूंजी वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है और कुछ ऐसे रीजन हैं जैसे राजस्थान जयपुर ऐसी रीजन्स में बहुत कम अमाउंट में रेनफॉल होता है एक्सेसिव रेनफॉल कॉजेज फ्लड फिर एज द एबसेंस ऑफ रेन रिजर्व स्टॉप कुछ रीजन ऐसे जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होगा वहां पे फ्लड जैसा खतरा जो है वो हो जाता है और जहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है वहां पे सूखा पड़ जाता है वॉटर मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द वॉटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे द रेन वॉटर कैन बी री यूज और रिचार्ज द ग्राउंड वॉटर बहुत सारा पानी ऐसा है जो बारिश का पानी होता है वो ऐसे ही बह जाता है बारिश के पानी को हम रिचार्ज कर सक के व... को लेकर के हम रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को अगर हम बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे और उसको हम इकट्ठा करके ग्राउंड वाटर के साथ लिंक करेंगे तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी इंक्रीज करेगा दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन हार्वेस्टिंग जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका हम रीयूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं क्योंकि हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं मेनी प्लेसेज इन इंडिया एंड एज अगो प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड द वॉटर रिचार्ज लाइक बाउडीज बहुत सारे प्लेसेस हैं पुराने जमाने में इंडिया में uh, पानी को स्टोर करने के लिए बाउडीज uh, का यूज होता था बावरीज वॉज द ट्रेडिशनल वे टू कलेक्टिंग वाटर बाउरीज जो है वो बहुत ही पुराना मेथड है पानी को कलेक्ट करने का बाउरीज जो होती है वो गांव में बड़े इज़ीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी बहुत आसानी से आपको दिख जाएंगी जहाँ पे लोग जो है नहाने के लिए वहाँ का पानी यूज पीने के लिए कपड़े धोने के लिए भी यूज करते थे और आज भी किसी किसी गाँव में बाउरीज का यूज बाउरी के पानी का यूज किया जाता है various method of uh, water conservation first is drip irrigation rainwater harvesting plant vegetation roof uh, top harvesting zero net deforestation so zero net deforestation it's a very new method and this method is uh, implemented in अफ्रीका कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज में इनका इसका यूज होता है क्योंकि वहां पे बहुत कम uh, बारिश होती है और वह, वहां पे बहुत कम अमाउंट में वाटर जो है वो प्रेजेंट uh, होता है जीरो नेट डिफॉरस्टेशन रेफर्स टू नो डिफॉरस्टेशन एनी इंक्लूडिंग री स्टोरिंग द फॉरेस्ट एरियाज बिकॉज इट हैज इट ऑल्सो हैज चांस ऑफ़ फॉरेस्ट फील्ड ये जो मेथड है इसका यूज़ ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे बारिश का पानी नहीं होता या बारिश बहुत कम होती है जहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उन जगहों पर और मोस्टली ये अफ्रीकन कंट्रीज में यूज होता है ये जीरो नेट डिफॉरस्टेशन प्लांट वेजिटेशन प्लांट वेजिटेशन से कैसे हम वॉटर uh, को सेव कर सकते हैं तो प्लांट प्लांटिंग एग्रीकल्चर टेबल इज वेरी इम्पॉर्टेंट अः वॉटर टेबल का यूज क्या होता है कि प्लांट uh, को जो हम एग्रीकल्चर प्लांट को हम प्लांटिंग करेंगे पौधों को हम लगाएंगे उससे भी हमारा जो वॉटर टेबल है uh, वो डिप्लूशन होने से बच जाएगा ड्रिप इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन होता है स्लो प्रोसेस ऑफ लेटिंग डाउन द वॉटर टू द प्लांट ड्रिप इरीगेशन एक मेथड है जहां पे जो फार्मर्स हैं वो इसका यूज करते हैं एक पाइप के अंदर छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं और उनमें पानी उस पाइप में पानी दिया जाता है जिसकी वजह से पानी जो है वो छोटे छोटे ड्रिप यानी कि ड्रॉप्स के रूप में फील्ड और प्लांट्स तक पहुंचता है उस प्रोसेस को हम ड्रिप इरीगेशन कहते हैं टायर एजिंग मैथड Method है। method जो है वो use होता है ऐसी जगह पे जहा पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है यानी कि हम पानी को स्टोर करके रखते है रेन वाटर को ऐसे एरियाज में जहा पे सूखा पड़ता है मलावीज साउथ अफ्रीका वगैरह में इस मैथड का यूज होता है वॉटर अप्रिशियस रिसोर्स वॉटर से बात नहीं है कि वॉटर जो है वो प्रीशियस रिसोर्स है हम लोग इसे ऐसे ही वेस्ट किए जा रहे हैं बट ऑल्सो फ्रॉम इशू ऑफ कंजन ऑफ मोर वॉटर देन रिक्वायर्ड पॉल्यूटिंग वॉटर एंड लैक ऑफ वॉटर इंडस्ट्रियल वेस्ट ड्रीनेज एंडल पॉल्यूटेंट्स Uh, क्या होता है कि देखो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि वाटर जो है वो प्रीशियस रिसोर्स है हम वाटर का कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हैं वाटर की कंजम्पशन करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हो ही नहीं पा रही हैं वाटर को पोल्यूट हो रहा है उस लैक ऑफ वाटर हो रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत सारा जो है वो सारा का सारा रिवर्स में जा रहा है ओशंस में जा रहा है सी में जा रहा है उसको सारे को खराब कर रहा है डिजनरेडेबल uh, पॉलिटिन हम लोग डिग्रेडेबल पॉलिटिन हम लोग यूज कर रहे हैं इसकी वजह से वाटर जो है वो सारा का सारा खराब हो रहा है अब इसको सेव करना है हमको वाटर को हमें किस तरह से सेव किया जा रूफ इट्स वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक कोटेशन है जिसे कहा गया है कि जो आज की जनरेशन है वो कल की रूफ uh, की तरह वर्क करेगी बट इफ वी टुक मोस्ट पार्ट ऑफ इट देन रिक्वायर्ड वट वुड बी तो हमारे आगे आने, वाली और आगे आने वाले जितने भी लोग हैं उनको फ्यूचर में वाटर की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी पानी पीने तक के लिए नहीं भी नहीं बचेगा सो so, यूज water वाइजली एंड बी water कंजर्वेटिव इसलिए पानी को बहुत uh, वाइजली यूज करना चाहिए और वाटर को कंजर्व करते रहना चाहिए वाटर कंजर्वेशन एजुकेशन के तहत ये कोटेशन जो है वो जारी की गई हैं। इसमें वाटर को कंजर्व करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेयर किया जा रहा है कि हमें पानी को बचाना चाहिए और पानी को सेव करना चाहिए